हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएक्स एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट के बारे में, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जो भी कैंडिडेट उसके लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोनों के लिए इसमें मैं मॉक टेस्ट के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, कि मैंने टेस्ट बनाए हैं खुद से, तो और परीक्षा ऐप का जो है आपको प्लेटफॉर्म दिया है ताकि आप मॉक टेस्ट को जो है वो ज्वाइन कर सकें और उन्हें दे सकें और खुद का एनालाइज कर सकें। तो उसी तरह से जो है एचपीएएस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पेपर वन और पेपर टू के मॉक टेस्ट जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि किस तरह से ज्वाइन करना है, कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि उनकी पेमेंट नहीं होती है या फिर उनको टेस्ट नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा कि क्या प्रोसेस आपको करना है, और अगर आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, या आपको पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, बट अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन से जाकर जो है वो ऐप को डाउनलोड कर लेना है, परीक्षा ऐप को। ठीक है, उसके बाद आपको साइन इन करना है, अपना नंबर वगैरह डालना है। नंबर वगैरह इसलिए आपका डाला जाता है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपसे टीम कांटेक्ट कर सके और आपको सॉल्यूशन दे सके। फिर आपको क्या करना है, अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ऊपर की तरफ आपको जो है वो हिमाचल प्रदेश, मतलब सभी स्टेट्स के वहाँ पर टेस्ट हैं। ठीक है, सेंट्रल टेस्ट भी हैं जो सेंट्रल जॉब्स होती हैं, तो आपको एचपी गवर्नमेंट एग्जाम्स वहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो आपको सामने इंटरफेस दिख रहा है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो है वो एक टेस्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ दिया गया है, तो आपको इस पर सिंपल सा क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है आपको पहला टेस्ट मिलेगा एचपी जीके एंड करंट अफेयर्स। एलाइड का जो है ऑलरेडी आपका एग्जाम हो चुका है, ठीक है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। करंट अफेयर पावर पैक भी मिलेगा, इसकी हम यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, आप चाहें तो ले सकते हैं, ना चाहें तो मत लीजिए। ठीक है, बट एचपी जीके एंड करंट अफेयर सबसे पहला मॉक टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको मिलेगा एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। ठीक है, तो एचपी जीके एंड करंट अफेयर अगर आप लेना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें आपको एचपी जीके के द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश के मैंने खुद से टेस्ट बनाए हैं, ठीक है, और आगे भी आपको मिलते जा रहे हैं, बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, और करंट अफेयर जो है आपके पूरे हफ्ते के आपको मिल जाते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ओपन है, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं बताऊंगा कि किस तरह से ओपन करना है, प्रोसेस सबके लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पर एचएस का जो है वो मॉक टेस्ट दिया गया है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने निकल कर आ जाएगी। सबसे पहले क्या है कि डेमो टेस्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कि फ्री डेमो टेस्ट पेपर वन का दिया गया है और फ्री डेमो टेस्ट जो है वो पेपर टू का दिया गया है। दो एग्जाम होते हैं एक ही दिन में, जिन्होंने भी एग्जाम भरा होगा उनको पता होगा कि मॉर्निंग में आपका जनरल स्टडीज़ का होता है और दूसरे पे आपका जो है एप्टीट्यूड वाला होता है। तो दोनों के यहाँ पर डेमो टेस्ट दिए हैं। डेमो टेस्ट का मतलब है कि आप पहले देख सकते हो कि किस तरह के टेस्ट हैं और किस तरह से आपको करना है, उसके बाद जो है आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, और परचेज में ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 हज़ार के जो है मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रीजनेबल प्राइस में आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न होता है, जो टीम वर्क करती है, जो टीम उसको प्लेटफॉर्म पर लेकर आती है, ठीक है, तो सभी के चार्जेस अलग अलग होते हैं, इतने आप भी समझदार होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं, एक तो 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 15 आप टेस्ट लगा लीजिए, दो दो पेपर वन भी और पेपर टू भी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, जिसका भी आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। साथ साथ क्या है कि आप खुद को एनालाइज़ कर सकते हैं कि सभी बच्चों में आपका रैंक क्या है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन से में आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है कि आप यहाँ पर टेस्ट शेड्यूल जो है वो भी देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दो तो हैं आपके डेमो टेस्ट, उसके बाद आपका यहाँ पर पेपर वन सारे दिए गए हैं 15। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अभी थोड़ा सा इसमें जो है वो चेंज होना बाकी है, क्योंकि ये जो इन्होंने टेस्ट रख दिए हैं वो मई तक रख दिए हैं। ठीक है, जबकि अप्रैल में एग्जाम है, तो वो बात हो चुकी है, मंडे तक जो है ये सारे सेट कर दिए जाएंगे और आपको पेपर टू के भी जो है मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सारे आपके ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ पेपर वन के दिए गए हैं और डेट बहुत आगे बढ़ा दी गई है, 26 अप्रैल के अंदर अंदर आपके सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे और पेपर वन साथ ही साथ पेपर टू के भी आपको जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा इसमें शेड्यूल होता है, और शेड्यूल क्यों बनाया जाता है, ताकि आपको एक हफ्ते का गैप मिल जाए या 2-4 दिन का गैप मिल जाए, आप जो अपनी तैयारी की है उसको आप चेक कर पाएं कि आपके मॉक टेस्ट में जो है वो कितनी प्रिपरेशन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये डेमो टेस्ट दे लीजिएगा आप पहले। ठीक है, उसके बाद आपने कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पर आप जो है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपको इसको अनलॉक कैसे करना है, और बाद में मैं आपको डेमो टेस्ट भी दिखाऊंगा कि कैसे है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करके कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो अनलॉक सीरीज पर जो है आपको क्लिक करना है। 499 का ये टेस्ट है। ठीक है,
दो टेस्ट हैं तो ऑब्वियस बात है 499 का है, बट आपको 499 में नहीं पड़ेगा। कोड अप्लाई करते हुए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप कैपिटल में कोड अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इस तरह से जीके स्टडी 40 आपको कूपन कोड लगाना है और सिंपल सा है, आपको अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको 200 रुपये जो है ऑफ मिल जाएंगे, 300 रुपये में जो है आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे पेपर 1 और पेपर 2 का, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेना है आपने, सिंपल सा अनलॉक सीरीज़ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप क्लिक करोगे, थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगेगा। उसके बाद क्या है कि आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे, एक तो फ़ोनपे का भी है, गूगल पे का भी है, भीम का भी, आप पेटीएम चलाते हो पेटीएम का है, डेबिट का आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग आप यूज़ करते हो, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद जो है फर्दर इसके लिए प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा आपके पास दिया गया है। अब देखिए मैं यहाँ पर डेमो टेस्ट की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के डेमो टेस्ट की। आपको सिंपल सा यहाँ पर स्टार्ट नाउ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, 120 मिनट है, मार्क्स जो है वो 200, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, पूरा पैटर्न जैसा होता है वैसा आपको दिया गया है, और जनरल नॉलेज के जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब जैसा आपका पूरा टेस्ट होता है वैसा कंप्लीट ये टेस्ट है, ठीक है। आपके जो टेस्ट के ऊपर होगी वो क्लॉक भी दी होगी, मतलब आपका टाइमिंग चलता रहेगा, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता लगता रहेगा कि आपका जो है वो कितना टाइमिंग अभी बचा है, ठीक है। स्टार्ट टेस्ट पर करेंगे तो इस तरह से जो है आपको पूरा जो है वो इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी, मतलब हिंदी में, और उसके बाद इंग्लिश में, और 4 ऑप्शन जो है इंग्लिश और हिंदी में पूरे में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ देखिए टाइमिंग आपकी चल रही है, आपके यहाँ पर पता लग रहा है क्वेश्चन आपका पहला है 100 में से, फिर आपके प्लस 2 मार्क्स हैं, अगर आप गलत करते हो तो क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दबाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह से जो है आप पूरा करते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आपके पूरे आप इसको मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हो, क्लियर रिस्पांस भी कर सकते हो, जैसे आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे आपको सबमिट करना है टेस्ट, उसके बाद आपका रिजल्ट जो है आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर बैक कर लेते हैं इसको, ठीक है, और इसी तरह से आप जो है वो मॉक टेस्ट सेकेंड को भी दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आप जो है वो दोनों को चेक कर सकें। तो जैसे ही आप दूसरे को भी दे देंगे, ठीक है, और उसके बाद उसकी भी जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कितने आपने गलत किए हैं और कितने सही किए हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप सबमिट करवा देते हो तो आपको वो भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कितने आपने क्वेश्चन विजिट किए हैं, कितने आपने रिव्यू के लिए रखे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, 100 का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं सबमिट टेस्ट एक बार आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह की आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी रिपोर्ट इस तरह से आपके पास आएगा, और यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, जो करंट अफेयर आपके हाल ही में ही चल रहे हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें रिपोर्ट आने में, आपको वो अरेंज करता है कि कितने, अब जैसे यहाँ पर आपका ये ब्लू हो चुका है तो सी रिपोर्ट जैसे ही करोगे तो यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने क्या क्या बताया है। करेक्ट आपके यहाँ पर दिख जाएंगे कि कितने करेक्ट हैं, इनकरेक्ट आपका जो है यहाँ पर पता लग जाएगा, अन अटैम्प्ट आपके यहाँ पर पता लग जाएगा। तो 200 में से कितने मार्क्स आपके बने हैं वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। टोटल कितने मिले हैं, कितने आपके मिले हैं, लॉस्ट आपने कितने किए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो पूरा आंसर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि कितने आंसर जो है आपके कौन कौन से थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चंबा इसका आंसर था, फिर अगले वाले का ऋषि भारद्वाज था, फिर उसका नूरपुर था। तो इस तरह से जो है आप पूरा जो है वो टेस्ट शेड्यूल आपका देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, ठीक है, टेस्ट का। अब बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें दूसरे टेस्ट की, डेमो टेस्ट पेपर 2 की, तो इसको अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं 200 मार्क्स के। तो इसमें इंग्लिश के 30 हैं, मैथमेटिक्स के 30 हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 30 हैं, और कम्युनिकेशन स्किल के 10 हैं, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है बाद में चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट करोगे तो उसी तरह से पूरा टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पैराग्राफ दे रखा है, जिस तरह से पैराग्राफ आता ही है, फिर नेक्स्ट करोगे आप 2, 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन करोगे उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होता है कि आपको बेनिफिट मिलता है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ऐसा ही सेम आपका HPGK और करंट अफेयर के टेस्ट में जो मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, वहां पर भी सेम आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। 300 रुपये का ये आपका पड़ेगा आपको HS वाला, और बाकी जो आपका 168 में पड़ेगा आपको HPGK और करंट अफेयर वाला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।